अंकल जी चैनी चैनी कम खाया करो ना, डरता हूँ यहाँ अंकल जी। जो बंदे डिफॉल्टर टकर गए। अगले धीरे चला ले, चेनी चेनी निकल गई। जाना वहां से कूड़ा उठा के गाड़ी में लाना है, बस फिर ड्रॉप पॉइंट पे छोड़ के आना है। अरे यार कूड़े वाला, ये जिमी को थोड़ा क्या ही हमारी नजर गई इस तुनक तुनक में अंकल जी। बिल्कुल, और इसकी भी हालात कुछ ऐसी। अंकल जी का टाट देखो, ये देखो अंकल जी ऐसे बैठे हैं, ऊपर का जो हिस्सा है वो ऊपर हो गया अंकल, क्या टाट की शेप बन गई है जिमी। चढ़ तो रहा है। अरे इतने स्लो में कौन भैंस की आंख करेगा इसे। गृह प्रवेश हो गया अंकल। अरे अंकल जी चैनी चैनी कम खाया करो ना। अरे चैनी चैनी नहीं खाई हरामी, ये देखो गाइस ये अंकल की चैनी चैनी है। कपड़े तो बड़े मस्त लग रहे हैं अंकल। वही तो जिमी देख रहा है मेरे हाल बेहाल। पहला इंट्रो तो कर लो अपना, ये लो। सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग, होप करते हैं सब मजे में। तो एक और GTA 5 की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। बाकी देख सकते हो हाल बेहाल हो रखे हैं हम, गरीब हो चुके हैं, और गरीबी में पूरा जिमी का हाथ है। मेरा क्यों जिमी? मेरा कुछ हाथ नहीं है, मैं तो मना ही करता था गाइस इन कलवे को कि मत जाओ अंकल जी, मत जाओ, कुछ फायदा नहीं है ऐसी जगह पे। एक का घर डबल पैसा मिलता है, डबल पैसा करके नंगे हो गए हैं गाइस ऐसे। अगर आपने इनके हालात नहीं देखे तो इनके पीछे वीडियो देखो कि कैसे ये पड़े हुए थे रस्ते पे, वो भी एक कच्छा पहन के, बस गए सूट पैंट पहन के, राजा बाबू बन के, आगे डिफॉल्टर बन के। अरे पगले, अब जिमी तू ही कुछ कर सकता है मेरा। क्या कर सकता हूँ मैं आपका अंकल जी, पहले तो मुंह साफ करके आओ, पहले मुंह साफ करके आओ। चल मैं मुंह धो के आता हूँ, रुक। हाँ अंकल जी गिटार बजाना चालू कर लो। बजाएंगे बजाएंगे गिटार भी। ओ ये अब अंकल जी लग रहे हो आप कुछ। देख रहा जिमी होगी निकली, दिख रहा था कल कितना क्लीन था, यू पड़े हो मरे जितना तो समोसे। अब पिटाई होगी तो यही होगा ना। ज्यादा चोरे हो गए जो आते ना गाइस, लालच बुरी बला है। मैं तो पहले ही कहता हूं अंकल जी आपको मानते ही नहीं थे आप। मुझे लगा यार जिमी और गाड़ियां खरीद लूंगा इस लालच में मुझे। और आप अंकल जी का अकाउंट भी जीरो, अंकल खुद भी जीरो, क्या करोगे? बस एक घर बचा इनके लिए, इनके पास और ये एक दो जोड़ी कपड़े। अरे बता जिमी अब तू ही कुछ कर समोसे। मेरे पास एक नौकरी है, करोगे? कौन सी नौकरी जिमी? नौकरी दिखाऊंगा वहां जाके, चलो आओ। चलो चलते हैं, और मेरी गाड़ी तो है ही नहीं, किस में चलेंगे जिमी? अरे यार लेके आया एक की छीन के यार, कोई दे ही नहीं रहा था। क्यों तेरी इज्जत ही नहीं है? मेरी इज्जत आपकी वजह से डूब गई, सबको पता चल गया कि क्या हुआ है कल। क्या हुआ है? तेरा यार डिफॉल्टर था हुआ आपके साथ। ओ नो जिमी, ये कैसे पता चला सबको? यही तो है अंकल जी। अरे पगले, छोटी सी सीट से मैं गिर ना जाऊं। अरे कुछ ना होता अंकल जी, पकड़ के बैठो बस। अरे जिमी नहीं, अरे तो कुछ नहीं होगा, मैंने क्या क्या पकड़ के बैठो बस। अरे पगले तू धीरे ही चला ले। तेरा यार डिफॉल्टर था हूँ यहाँ अंकल जी। जो बंदे डिफॉल्टर टकर गए। अंकल पगले धीरे चला ले, चैनी चैनी निकल गई। क्यों खाते इतनी चैनी चैनी? दांतों में फंसा के निकलते और दांतों में भी चैनी चैनी ही रहती है 24 घंटे। खाना पड़ता है जिमी, तुझे पता नहीं? क्या नहीं पता मुझे, ऐसा क्या होता है इस चनी चनी में? इसमें होती है सुकून। सुकून जो कर देता है मुलाल। अरे पगले धीरे चला ले रे। अरे धीरे ही चला रहा हूँ, इससे धीरे नहीं चलती मेरे से। अरे क्या उड़ा रहा है तू तो? अरे अंकल जी ये तो नुए चालक रहा है। अब जिमी वो तो बता जा कहाँ रहे हैं? अंकल जी एक नौकरी है, मतलब अपना बंदा है एक, वहाँ उसके ट्रक चलते हैं। अच्छा तो मैं आपको वहाँ नौकरी दिला दो अंकल। तो क्या मैं ट्रक चलाऊंगा जिमी अब? अंकल जी ना होने से अच्छा कुछ होना बेहतर होता है। चल ट्रक तो चला ही लूंगा मैं, ट्रक में क्या ये माल लोड इधर से उधर करना होगा। हाँ हाँ वो इधर उधर ही उठाना है, इधर से उठाना उधर फेंक के आ जाना बस। बस ये तो जिमी छोटी सी नौकरी तो लेके चलते हैं अंकल जी को, उनके जो मैंने नौकरी की बात करी है वो दिखाने के लिए। अंकल जी सही हो? ओके मस्त लग रहे हो। अरे पगले ये क्या पहना दिया तूने मुझे? तो अंकल जी ये ट्रक है, आज के दिन मैं आपके साथ चल लूंगा, सुन तो लो। हाँ इस ट्रक से बस इन्होंने लोकेशन आपके उसमें ट्रक में लगी होगी कि कौन कौन से लोकेशन में जाना, वहाँ से कूड़ा उठा के गाड़ी में लाना है, बस फिर ड्रॉप पॉइंट पे छोड़ के आना है। अरे यार कूड़े वाला, ये जिमी को थोड़ा क्या ही, मतलब अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं हो गया? और स्टैंडर्ड मत देखो, अभी कुछ नहीं है स्टैंडर्ड। अरे यार जिमी ये तो बहुत, एक तो जो एक तो नौकरी दिला दी आपको यार, और कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी नौकरी का क्या करूंगा मैं। चलो आओ
और बिल्लो जट ने ट्राला पोना है, ये देख रहे हो अंकल जी। ये तो बढ़िया भाई, इनका तेरे से तो बढ़िया, ये तेरे घर का तो खुलता भी नहीं है। अरे रुक जाओ यार, तो देख लो ऐसा ट्रक है, मैं आपको गेड़ी लगवा रहा हूँ बस। अरे यार जिमी, लोकेशन ये आपको दे देंगे, बस पन्नी उठानी है और करके आनी है ड्रॉप, ठीक है? नौकरी से संतुष्ट हो? नहीं नहीं, फिर क्या करोगे? अरे यार जी, मैं कुछ और कर लूंगा, मेरे से ये नहीं होगा। कूड़ा उठाना यार, कूड़ा उठाने के अलावा इसमें पैसे भी तो मिल रहे हैं यार, दिन के मिलेंगे, और ऐसा भी नहीं कि भैया महीने के एंड में मिलेंगे। नहीं जिमी, मैं ये नहीं कर यार। अब अंकल वो करनी नहीं है गाइस, तो फिर मैं इस गाड़ी को अंदर ही खड़ी करवा दूं, उस बंदे को बोल दूंगा भाई सॉरी यार, मेरी मेरी भी इज्जत है कुछ मार्केट में। क्या बताऊं जिमी, पर कूड़ा तो नहीं उठाऊंगा मैं, ऊपर से कपड़े देखियो। ठीक है फिर, कपड़े कपड़े चेंज करो, एक तो नौकरी दिलाता हूँ ऊपर से इनके नखरे। ये कपड़े कैसे हैं, बेकार से। अच्छा तो ये कपड़े ही नहीं, सरकार ने यही कपड़े बोले हैं बंदों के लिए। नहीं जिमी, मुझसे ये नहीं होगा। नहीं होगा तो मत करो, आ जाओ फिर देखते हैं कुछ और। तो गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब क्या करें अंकल जी के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल। वही तो जिमी, वो नौकरी तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मत करो, नौकरी करनी क्यों, घर पे बैठे रहो ना। तू कमा के देगा फिर जिमी मुझे? मैं क्यों दूंगा? अच्छा मैं क्यों दूंगा, आपकी बुआ का लड़का थोड़ी लाग रहा हूँ जो आपको दे दूंगा। जिमी थोड़े पैसे दे फिर कुछ। अरे क्या खरीदोगे? कुछ तो ढूंढना यार, जो भी सिटी में ज्यादा नीड हो ऐसी चीज। सिटी में नीड हो, एक टैक्सी ले लो अंकल जी, सिटी में टैक्सी वाला कम है आजकल। टैक्सी ले ले फिर, बता तू पर टैक्सी यार जिमी महंगी पड़ जाएगी। वही तो, क्या करे, भेल सूज गए अंकल जी। अरे तू भी चैनी चैनी कब से खाने लग गया? चैनी चैनी नहीं खाया, मेरे घुटने से छिला, घुटने से चैनी चैनी खाता है क्या कोई? ओ नो, लग गई जिमी तुझे तो। अरे यार मर्द को दर्द नहीं होता, पर हो रहा है गाइस। हां बोलो, पता क्या करना है फिर? एक काम करते हैं, हां कहीं चलते हैं सामने की साइड, बोल तो सैंडी शोर्स की तरफ। अच्छा वहां देखते कुछ काम की चीज मिल जाए हमें तो। चल देख ले जिमी, कुछ मिल ही जाए तो वैसे तो बढ़िया है। ओ ये अंकल, ओ पगले धीरे चला ले, दिल में है प्यार पर आंखों में शिकवा, झूठ बोले तुम्हें काट जाए बिछुआ। पगले धीरे चला ले से, धीरे ही जला रहा हूँ अंकल। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं देखते हैं, एक दो जगह जुगाड़ लगाते हैं कहाँ पे हमें एक खच्चर टैक्सी मिल सकती है जिसमें सस्ते रेट पे हम। अरे अंकल नैनो वाले ने ठोक दिया अंकल। नैनो भी अंत स्वैगर, नैनो स्वैगर हो रहा है जिमी का। अरे बिल्कुल, तो लेट्स गो देखते हैं कहीं से कुछ तो टैक्सी टुक्सी मिले। ओ नो, पता करते हैं फोन घुमा के। चल जिमी उतार ले भाई फिर। अरे उतार रहा हूँ अंकल जी, पहले दिखाने दो दो। हाँ चल दिखा दे। तो गाइस हमने काफी ढूंढा, टैक्सी मिल रही थी तो काफी महंगी, और कोई मिल रही है सस्ती तो उसके हाल ऐसे ही है कि बंदे नहीं बिठा सकते हैं अंकल जी, काफी डैमेज वाली। वही तो यार जिमी, उसके बाद हमारी नजर गई इस तुनक तुनक में अंकल जी। बिल्कुल, और इसकी भी हालात कुछ ऐसी है, फिर करा देंगे इसे तो हम अच्छे खासे सस्ते में, ठीक अंकल जी? थोड़ा बहुत जो भी होगा इसका। यार जिमी एक्सीडेंट हुआ, हुआ ऑटो है ये। अरे तो क्या हो गया, आगे शीशे में लगी हुई है थोड़ी सी, ठीक है? या साइडों में थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह दे सकते हो गाइस, पेंट तो इसका करा देंगे, मेरे पास बंदा है अंकल। पर ये मिला कैसे, किसका है? इंडियन का बता रहा था। हाँ हाँ बता ही रहा था। हाँ फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने छोड़ ही दिया ऑटो चलाना। वही इंडिया से इंपोर्ट कराया था जिमी उसने स्पेशल। एक मिनट में उतारता हूँ गाइस, स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो आवाज सुन रहा हूँ, तुनक तुनक ले लिया जिमी हमने तो, ये तुनक तुनक। अब फ्रैंक एंड अंकल इस पर घूमा करेंगे गाइस बंदे लेके। अरे आओ बैठो, बैठता हूँ यार जिमी, फोन कर लो, फोन कर लो, जल्दी कर लो, एक गुटखा कम चबाओ, जल्दी आओ। आ गया आ गया अंकल जी, 20 रुपए लूंगा। अरे जिमी मेरे से भी पैसे लेगा क्या पगले? आपकी चीज है वैसे। क्या चल रहा है, पचर 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 पचर। अरे पगले बस पान खा रहा हूँ मैं। अरे आप तो पान खा रहे हो क्या, इसको ये देखो कैसे चल रहा है, ये कते खच्चर हो रखा अभी तो। क्या लगता है जिमी इसमें फायदे में रहेंगे हम? देखते हैं, डिमांडिंग चीज बढ़ सकती है क्योंकि ऐसी चीज कोई चल नहीं रही है लो सेंटोस में। वो भी है यार, ये तो अपना स्वैगर ऑटो है ये, बड़ा कट लगा मारते समय ना अंकल।
जी ध्यान देना पड़ता है, जोर से घुमाना पड़ता है। अरे दे पगले, मैं तो इसमें आ ही नहीं रहा, इसकी हाइट थोड़ी ऊंची करवानी पड़ेगी जी। मैं क्या ऊंची कराओगे? देखो क्या हो गया अंकल जी का टाट, देखो ये देखो अंकल जी ऐसे बैठे हैं, ऊपर का जो हिस्सा है वो ऊपर हो गया अंकल, क्या टाट की शेप बन गई है। अरे रे अंकल, पर चलो कोई नहीं, हम पतले पतले लोगों को बिठाएंगे इसमें। कल देखो अंकल जी हम चलेंगे इसमें, पहले सब कुछ काम करवाने के बाद एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें मैं ऊपर बैठ जाऊंगा और बाकी पूरा ट्रक ये टेम्पू लोड करवाते हुए चलेंगे अंकल। देख लेंगे जिमी वो तो, बाकी ये चलाने में कैसा? चलाने में तो ठीक ही है, स्पीड भी नॉर्मल ही है, क्योंकि देखो इंडिया में जब ऐसी चीजें चलती है ना, हाँ इनकी स्पीड लोग करवा देते हैं 80 में और ये चल 70, इतना ही चल रहा है, उतना ही चल रहा है। बाकी हम यहाँ पे देख लेंगे रूल रेगुलेशन के हिसाब से कितने, यहाँ पे तो हम देख लेंगे, क्योंकि अभी देखना क्योंकि यहाँ पे ना ठीक वगैरह भी करवाना है, इसका शीशा भी ठीक करवाना है, क्योंकि आपने देखे इसके हालात, कीचड़ कुचड़ लगे हुए हैं पूरी बॉडी में, कीचड़ तो नहीं गोबर लग रहा है भैंस का, डैमेज भी हो रखा है जी। हाँ तो एक बार लोस सेंटोस लेके चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अरे अंकल जी, अरे चढ़ जाएगी जी इधर पहाड़ों पे, मैं वो ही देख रहा हूँ क्योंकि ट्रक ये मैंने पीछे इसलिए लिया था गाइस, ये अपना ये ऑटो था। अरे अरे क्या हो गया, आवाज सी आ रही है चर, वो लगता है जी मैं इसका एक काफी दिनों से खड़ा होगा ना। हाँ और ये देखो गाइस, अरे तो चढ़ ही नहीं रहा जी, चढ़ तो रहा है, अरे इतने स्लो में कौन भैंस की आंख करेगा इसे रोज। अरे देखो चढ़ा कैसे रहा हूं मैं। अरे रे पगले, इसका एक्सीलेटर भी खुलवाना ही पड़ेगा, कल खुलवाना ही पड़ेगा, अभी के लिए चढ़ जाए बस गाइस। देख रहा हूं टेढ़ा मेढ़ा ले जा रहा हूं, जब जाके चढ़ रहा नहीं तो नहीं चढ़ता अंकल जी। अरे अपना ऑटो स्वैगर बनाएंगे इसे जिमी, कतई एक नंबर बना देंगे। दिल में है प्यार भर आहों में शिकवा, झूठ बोले तुम्हें काट जाए बिच्छू। अरे अरे पगले हस्की उड़ाएगा हस्की भैया, बीच में काय आते हो यार तुम भी यार। अरे यार जा साइड से, इधर ले आती है पता नहीं रोज का, इसका अपने घर में अगवा उससे पाला है तो उसे। अरे यार ये देखो, ये देखो, ये देखो कुत्ता तो खुदा रहा मालिक, और ये एक जैसी हो रहे हैं अंकल जी, कहता ही तेरी तरह हो रहे हैं अंकल जी। इसकी लाइट चेक करी मैंने, ये देखना एक ही जल रही है, बाकी इंडिकेटर और आगे के बल्ब सारे लगेंगे इसमें। पीछे की जल रही है जी, पीछे की जल रही है देखो। चल यार पीछे थोड़ा खर्चा तो बचा अपना। हाँ आगे की भी मेन चल रही है, साइड वाली नहीं चल रही। और जिमी कहाँ पे ज्यादा पब्लिक होती है, उधर की साइड ही चलाएंगे। अरे चला लेंगे, पहले ठीक तो करा ले, चलाने का पैसा कमाने का जल्दी हो रहा है। अरे पगले थोड़ा कंट्रोल तो कर ले। अरे खराब हो रहा है इसका, नहीं सेट करवाना पड़ेगा। चल वो भी यार सारी चीजें होएगी इसमें है ना, होएगा अच्छी तरह होएगा गाइस, आपको भी देखने को मिल जाएगा। दिल में है प्यार पर आंखों में शिकवा, चल जी इसका गृह प्रवेश करा दे। अब गृह प्रवेश कराने के लिए गाइस अभी हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अंकल जी ने कहा पहले ये नई चीज आई है मेरे घर पे, तो इसका गृह प्रवेश होना जरूरी है, उसके बाद ये ठीक होने जाएगा, बाकी का काम होगा। यस तो गृह प्रवेश यहाँ से प्रवेश कराऊं, कहाँ से प्रवेश कराऊं, या फिर हो गया यहीं पे? अरे बस यही रोक दे पगले, अंदर थोड़ी ना लेके जाएगा। नहीं मैं आप सोचने को लगा आप गृह प्रवेश की बात कर रहे हो, अंदर ले जाता हूँ। अरे नहीं पगले सी से टूट जाएंगे इसके। अरे रे रे अंकल, अरे नहीं पगले रहने दे, गृह प्रवेश तो करवा के रहूंगा गाइस मैं, गृह प्रवेश होगा अंकल जी। नहीं जिमी रहने दे, प्रवेश तो करवा के रहूंगा गाइस मैं, देखना गृह प्रवेश हो गया अंकल, बोलो अंकल। तो गाइस ये देख लो अच्छी तरह हमारे टेम्पू का गृह प्रवेश हो गया है, हमारे कलवे अंकल उतर जाओ, अब क्या फोटो खींचूं? फोटो खींच दे जी मेरे नए ऑटो के साथ, लो गृह प्रवेश करवा दिया। अरे पगले अंदर क्यों ले आया, अभी से निकालेंगे कैसे? वो आपकी मर्जी है, मैं तो थक गया गाइस, नीचे जाके थोड़ा सा जूस पी लूं। हाय 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 अंकल जी, जब तक आप अपना प्रोग्राम एंड कर सकते हो। ठीक ठीक लो देखो देखो, तो देख सकते हो गाइज आज हमने खरीद लिया है इंडियन ऑटो, जो कि भाई अभी इसकी काफ़ी सारी चीज़ें करवाने वाले हैं हम इस ऑटो की। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं करते यार तुम, लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है जिमी, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में जिसमें हम इस ऑटो का काम कराने वाले हैं, बोले तो मॉडिफिकेशन। ओके चंगा, फिर अगली गेड़ी जिमी, अगली गेड़ी अंकल जी, अगली गेड़ी, सबनों अगली गेड़ी। ओके बाय बाय।